इस फिल्म में पायलट की भूमिका निभाएंगे अजय देवगन। ऐसा नहीं है कि अजय देवगन भारतीय वायुसेना में भर्ती होने जा रहे हैं। मंगलवार को अजय के नाम एक नई फिल्म की घोषणा हुई है, जिसमें कहा गया है कि इस फिल्म में वे भारतीय वायुसेना के एक स्क्वाड लीडर की भूमिका निभाएंगे जो लड़ाकू विमान उड़ाता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर बनने जा रही है जो 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग के दौरान गुजरात के सैनिक हवाई अड्डे भुज में तैनात भारतीय वायुसेना के पायलट विजय कार्निक से जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जंग के दौरान पाक के लड़ाकू विमानों ने जोरदार बमबारी से भुज के सैन्य हवाई अड्डे को काफी नुकसान पहुंचाया था और हवाई अड्डे ने काम करना बंद कर दिया था। विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारते हुए कार्निक ने पास के गांव की महिलाओं की मदद से हवाई अड्डे की पट्टी की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया ताकि हवाई अड्डे पर भारतीय विमान उतर सकें। एक तरफ पाक के विमान बमबारी कर रहे थे और हौसला न खोते हुए विजय कार्निक के नेतृत्व में टीम इस हवाई अड्डे की पट्टी की मरम्मत के काम में जुटी रही थी। कहा जाता है कि कार्निक की हिम्मत और हौसले ने पाकिस्तान को हराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। स्क्वाड लीडर कार्निक भी अपनी जिंदगी पर बनाई जा रही इस फिल्म को लेकर खुश हैं और वे कहते हैं कि अजय से बेहतर इस रोल को और कोई कलाकार नहीं निभा सकता। इस फिल्म का निर्माण टी सीरीज, गिनी खानुजा और वजीर सिंह की टीम मिलकर कर रहे हैं। अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि ये फिल्म कब से शुरू होगी और इसे कब रिलीज किया जाएगा।